नमस्ते बेटियों हमेशा खुश रहो मैं जे वी एन डॉक्टर नियुपमा हर्षवर्धन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर आज हम बी ए बी एड फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी गद्य के पेपर में प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के बारे में पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग तीन सौ पचास कहानियाँ लिखी हैं उनकी सभी कहानियाँ यथार्थ के धरातल पर लिखी गई हैं पूस की रात कहानी की रचना उन्होंने 1930 में की थी उनकी ये कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि एक कृषक जीवन के कृषक जीवन के स्थिति पर आधारित है और एक यथार्थ स्थिति को बयान करती है पूस की रात कहानी में प्रेमचंद जी ने विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टि से बहुत ही इन दोनों ही दृष्टियों का बहुत ध्यान रखा है और उनकी ऐसी कहानी है जिसमें कि कहानी लाके सभी तत्व इसमें मौजूद हैं इन प्रेमचंद जी ने इस जीवन का लोक जीवन का आदर करते हुए पात्रों की स्थितियों का मनोवैज्ञानिक निरूपण किया है पूछ की रात कहानी में कहानी के वे सभी तत्व मौजूद हैं जो कि एक उत्कृष्ट कहानी में होने चाहिए अगर कथा वस्तु की दृष्टि से देखें बच्चों तो प्रेमचंद जी की एक कहानी है ये कथा वस्तु की दृष्टि से भी अत्यंत ही प्रभावशाली है इसमें एक किसान की कहानी है वो वो है हल्कू हल्कू और उसकी पत्नी है मुन्नी ये दोनों ही जीवन इसके कहानी के नायक और नायिका हैं और एक ये हल्कू है बहुत ही गरीब किसान है ये चाहता है कि किसी तरह से मैं कुछ पैसा जमा करके और एक कंबल ले लूं ताकि मुझे जो खेत पर रखवाली करता हूं सर्दियों में उसमें मुझे ठंड में ना मरना पड़े तो वो बहुत तिल तिल करके पैसे जमा करता है और सोचता है कि इस बार तो मैं कंबल ले ही लूँगा हमेशा उसकी चाह रहती है कि मैं कंबल ले लूँ इस बार कम्बल ले लूँ लेकिन ये सपना उसका पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि कोई ना कोई उसको वो कहीं ना कहीं उसको कर्ज चुकाना पड़ता है जब ये उस बिल्कुल धार लेता है कि हाँ भाई अब मैं ये इससे कंबल लूँगा और लेकिन होता यह कि जिससे उसने कर्ज लिया होता है वो उसी समय सहना वहाँ आ जाता है और उसको वो जो जमा करे हुए पैसे हैं कंबल के लिए वो दे देता है तो इस प्रकार से वो ठंड में ही वहाँ पर रखवाली करता है खेत की जाके ही चादर में बहुत मुश्किल होती है उस उस पूस की ठंडी रात में उसका जो है खेत ठंड के मारे वो सो जाता है आग जलाकर और उस दौरान खेत सारा पशु चढ़ जाते हैं रौन डालते हैं सारी फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी आके जगाती है और बोलती है सारे सारा का सारा खेत खराब हो गया फसल खराब हो गई है तो वो खुश हो जाता है चलो अब पीछा छूटा मुझे ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा तो इस प्रकार से एक कहानी के मूल संवेदना है कि वो एक जो किसान है वो कैसे कैसी स्थिति में जीता है और कि, किस तरह से परेशानी में वो उसकी जो जो जान से प्यारी उसको जो फसल होती है उसको भी ख़राब हो जाने पर वो इस बात को कहता है कि चलो ठीक है मुझे ठंड में सोना तो ना पड़ेगा तो इस तरह से इस कहानी का मूल भाव है और इसका जो कथानक है हम देखते हैं कथानक की दृष्टि से भी बहुत ही संक्षिप्त और मार्मिक कहानी है इसमें प्रेमचंद जी का ने जो कथानक का जो प्रारंभ है वो उसका विकास और चरम उतार सब सब चीज़ों का उन्होंने इसके अंदर ध्यान रखा है कथानक में प्रारंभिक अवस्था हल्कू और उसकी पत्नी के मध्य हुए वार्तालाप से मैं देखी जा सकती है विकास की स्थिति कहानी में वहाँ बनती है जहाँ हल्कू बिना कंबल के ही भयानक शीत भरी रात में टिटुटता रहता है चरम सीमा का बिंदु वो है जब हल्कू अपने खेत में से दूर जाकर आग जलाता है और खेत की रखवाली कर की चिंता को छोड़ के और सो जाता है मतलब वो कहीं पर भी उस बात का ध्यान नहीं रखता है कि खेत का क्या होगा रखवाली का क्या होगा और वो वहाँ आग जला के सो जाता है खेत को जंगली पशु खराब कर देते हैं रौन डालते हैं और चढ़ जाते हैं तो इस प्रकार हल्कू पूरी मेहनत हल्कू की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और बावजूद इस घटना के हल्कू सोता रहता है कहानी का उतार उस बिंदु से प्रारंभ होता है जब हल्कू की पत्नी मुन्नी गहरी नींद में सोए हुए अपने पति हल्कू को जगाती है और सारे खेत के नष्ट हो जाने की उसको सूचना देती है हल्कू जाग जाता है किंतु यही कहन, कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की कहानी का जो कथानक है वो बहुत ही व्यवस्थित है और रोचक है उसमें सरलता सरहजता सभी गुण हमको दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से कहानी के जो तत्व हैं कहानी उसी से ही प्रसिद्ध होती है उसी से ही वो लोकप्रियता पाती है क्योंकि उसमें वो सब तत्व कहानी में होने चाहिए पूछ की रात ऐसी कहानी है जिसमें कि कथानक और कहानी के तत्वों की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ कहानी है प्रेमचंद जी की तो इसमें जो अब जो चरित्र विधान उन्होंने किया है प्रेमचंद जी ने वो भी उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा है और देखा जाए तो कथा वस्तु के बाद जो है चरित्र विधान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि चरित्र के माध्यम से कहानीकार अपनी भावनाओं को और अपने कथ्य को प्रभाव डाली प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है पूज की रात की कहानी में प्रमुख रूप से दो ही चरित्र हैं हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी कहानीकार प्रेमचंद ने जबरा नाम के कुत्ते को भी व्यक्तित्व और चरित्र प्रदान कर दिया है जो कुत्ता था प्रेमचंद का वो भी क्योंकि कहानी में लगातार वो साथ बनाए जब वो खेत पे जाता है और कुत्ता बजाय घर में ठंड में रहने के उसके अपने मालिक की रखवाली के लिए उसके साथ जाता है तो इसलिए उन्होंने कुत्ते का भी इसमें एक तरह का उसको चरित्र प्रदान किया है क्योंकि हल्कू अपने जब भाइयों और जाति बिरादरी से और लोगों से जब उसको कोई सहानुभूति नहीं मिलती है और ना ही संतोष मिलता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य से मनुष्य से जिस सहानुभूति की वो प्राप्ति की उम्मीद करता है वो उसको प्राप्त नहीं होती है हल्कू को तो वही सहानुभूति और प्रेम उसको जबरा कुत्ते से प्राप्त होती है तो मुंशी प्रेमचंद ने हल्कू और जबरा कुत्ते के बीच सच्ची आत्मीयता दिखाते हुए जैसे मानव संपूर्ण मानव समाज पर तीखा व्यंग किया है तो इसमें जो चरित्र विधान है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है हर एक हर चरित्र इसमें बड़ा खूब खूबसूरती से सामने आया है ऐसे ही मुन्नी के मुन्नी है उसकी पत्नी उनका चरित्र भी है कि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वासी है समझदार है और बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की है हर स्थिति में परेशानी में भी वो अपने आप को उस तरह से दृढ़ बनाए रखती है इस इसी प्रकार हल्कू का चरित्र भी इसमें दिखाया है कि प्रेमचंद जी ने उसका रचना की है हल्कू के चरित्र की वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से की है उनको हल्कू का चरित्र उन्होंने एक विशिष्ट और मानवीय चरित्र के रूप में इसमें सामने लाए हैं वो और उनके उसके उसके चरित्र में भारतीय कृषक की जीवन की अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं हम हाँ, और साथ ही जो हल्कू का चरित्र है उस पर उसकी कोमलता भी इस बात से पता चलती है कि वो किस तरह से उससे जबरा से जो जानवर है उसको वो उससे प्यार करता है और उसका ध्यान रखता है उससे वो बातें करता है तो उस अपने साथ साथ उस कुत्ते का भी ध्यान रखता है जबरा का भी तो इस तरह से जो उन्होंने संवाद चरित्र योजना की है प्रेमचंद ने ये भी इसमें बहुत ही महत्व रखती है संवाद की दृष्टि से अगर हम देखें तो संवाद जो है आ, ये ये भी बहुत अच्छे सा, इसमें प्राण शक्ति क्योंकि संवाद किसी भी कहा रचना में प्राण प्राण शक्ति का काम करते हैं तो वो और वो चरित्रों को उभारते हैं कथा को जो कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और मानव जीवन की विभीषिकाओं या विचित्रताओं को उभारने में मदद करते हैं तो प्रेमचंद जी की जो ये की रात कहानी है इसके अंतर्गत संवादों की योजना बहुत ही उपयुक्त रीते से की गई है इस कहानी के संवाद उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सहायक हुए हैं बहुत ही सरल संवाद है और बहुत ही सरल भाषा में कही हैं आप बच्चों आपको मालूम ही है कि प्रेमचंद बहुत ही सरल भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं उनके उनके का जो रचनाएं होती हैं उनकी कहानियां या उनके उपन्यास हैं उनमें भाषा बहुत सरल है लेकिन उसमें काव्यात्मकता है और कहने का तरीका ऐसा है उसमें लोकोक्तियों और उसके माध्यम से कि उसमें बहुत ही सहजता सरलता अपने आप ही आ जाती है उनका एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हल्कू अब उससे जब वो खेत पर रखवाली करता है और रात पूज की ठंडी रात में बहुत ठंडी रात होती है पूज की तो उस ठंडी रात में जब हाड़ हड्डियों में एक तरह से हवा छेद करती हुई नजर आती है ऐसी ऐसी बुरी ठंड में वो अपने उसको जबरा कुत्ते को अपने साथ रखता है और उसको साथ में सुला लेता है उसकी गर्मी उसमें से बदबू आती है लेकिन उसकी परवाह ना करके क्योंकि उस कुत्ते से उस जबरा से उसको बहुत ही गर्मी मिलती है तो वो उसको उसके साथ में वहाँ अपने ऊपर सुला लेता है पलंग पे और उसको फिर बाद में उससे कहता है कि जबरा से कि आज तो जरा खा हम्म आज तो जरा खा ले कल मैं यहाँ पुआल बुछा दूँगा ठीक है कल मैं यहाँ पुआल बुझा उसी में घुस बैठना तब जड़ाना लगेगा तो ऐसे सरल शब्दों में ऐसी बात कह देते हैं ऐसे चित्र वो खींच देते हैं कि हम उसी जीवन में उस समय में पहुंच जाते हैं वातावरण अगर देखें कि वातावरण का जो विधान किस तरह से उन्होंने किया है तो ये वातावरण विधान भी किसी भी रचना में कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रेमचंद जी की ये पूज की रात कहानी अत्यंत ही इस दृष्टि से सफल है कहानी के प्रारंभ में निर्धनता के चक्की में पिसे हुए दंपति की पारिवारिक स्थिति का चित्रण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि निम्न मध्यवर्गीय कृषक परिवार किस पर, किस प्रकार से जीवन को जीता है कैसी उनकी अवस्था होती है उसका जो उन्होंने शुरू में प्रारंभ में जो चित्र खींचा है उसी से हम हमको उस परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा हो जाता है और इसी प्रकार से जो पूस की ठंडी रात का वर्णन उन्होंने प्रेमचंद जी ने किया है वो भी कहानीकार के वातावरण कला को प्रकट करता है कि कितनी सुंदरता से उसका वो चित्रण किया है हमको जैसा ऐसा पाठक को ऐसा प्रतीत होता है कि वो जैसे वो ही उस कष्ट को उस जड़े को महसूस कर रहा हो तो वातावरण का चित्र खींचने में वातावरण को को प्रभावशाली बनाने में जो प्रेमचंद जी थे वो बहुत ही माहिर थे और उन्होंने जो भी इसमें वातावरण बनाया है चाहे वो घर परिवार का हो चाहे वो उसकी परेशानी का हो चाहे वो उस रात का वर्णन हो बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि उस आ, उस ऐसी रात में उन्होंने जो ऐसी इस तरह के भी चित्र है कि भाई पूस के अंधेरी रात आकाश पर तारे ठुटुरते हुए मालूम होते थे मतलब कितनी सुंदर देखे कि पूज के अंधेरी रात और आकाश पर तारे ठुटुरते हुए मालूम होते थे इसी से हमें पता चलता है कि इतनी सुंदर उन्होंने कल्पना करी और बहुत ही सरल शब्द में कह दिया हल्कू अपने खेत किनारे के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूँ कू कर रहा था तो मतलब ये था कि उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से इस चित्र को खींचा है कि हमें एकदम उनके उससे पाठक एकदम ही उससे जुड़ जाता है भाषा शैली हर रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उतना ही उसका महत्व होता है जितना कि कथानक का जितना कि वातावरण का जितना कि चरित्र का संवादों का उसी प्रकार से भाषा शैली का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है इस दृष्टि से भी देखें तो प्रेमचंद जी की जो ये कहानी है पूस की रात ये बहुत ही सरल सहज और इस तरह के लिखी इस तरह से उसकी शैली है ऐसी शैली है कि वो पाठकों के अंदर उतर जाती है ग्रामीण शब्दों का क्योंकि ग्रामीण परिवेश का उस इसमें एक कथा है ग्रामीण परिवेश की तो वो ग्रामीण बोलचाल के शब्द गांव में जहाँ जिस तरह से शब्द बोले जाते हैं वो उनके रीति रिवाजों में जो चीज़ें आती हैं खान पान की चीज़ें और जिस तरह की भाषा होती है वो वो सब इसके अंदर हमको देखने को मिलती है वो शब्द देखने को मिलते हैं और उनकी तो विशेषता भी रही है कि जो बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग उस समय के वातावरण का प्रयोग ऐसे करते हैं प्रेमचंद जी कि हमको लगता ही नहीं है कि हम हम पढ़ कुछ रहे हैं और आम नज़रों से देख कुछ और रहे हैं ऐसा लगता है कि बस पूरी तरह से ही उसमें हम उतर गए तो यहाँ पर भी उन्होंने जो भाषा है उनके जो शब्द हैं वो बहुत सुंदर हैं लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग तो उनकी विशेषता है कि उनके कहानियों में बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ हमको देखने को मिलते ही हैं और और ये जो कहानी है पूछ के वो एक तरह से जो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने इसकी भाषा शैली का इसमें प्रयोग हुआ है और इसकी इस दृष्टि से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है उद्देश्य की अगर बात करते हैं क्योंकि कि किसी भी रचना में उद्देश्य अपना एक पूरी जब तक उद्देश्य विहीन रचना का कोई अर्थ नहीं होता तो किसी भी रचना का अपना एक उद्देश्य होता ही है पूछ की रात कहानी का भी अपना उद्देश्य है और ये एक उद्देश्य प्रधान कहानी है इस कहानी में प्रेमचंद जी का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना रहा है उन्होंने एक और तो शोषकों की ओर संकेत किया है और दूसरी ओर उस दैनीय जीवन बिताने वाले हल्कू की स्थिति को प्रस्तुत किया है जो विवशतापूर्वक जिंदगी बिता बिताते हुए जीने के नाम पर बुरी ज़िंदगी बिता रहे हैं मतलब उन्होंने एक प्रतीक बनाया है हल्कों को और बताया है कि कृषक जो हैं वो कैसा कितनी मजबूरी वाली जिंदगी कितनी विवशता वाली ज़िंदगी कैसी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं कैसी ज़िंदगी वो बिता रहे हैं तो उन उन्होंने हल्कू को माध्यम बना के ये बताया और वो ऐसा इसलिए भी वो करा है उन्होंने क्योंकि वो एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना देखना चाहते थे कि सब समाज में सभी समान हो ना कोई गरीब का भेद हो ना अमीर का भेद हो ना कोई दुखी हो ना कोई परेशान हो ना किसी का शोषण होता हो हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से जीने को स्वतंत्र होना चाहिए तो वो मुक्त समाज की कल्पना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक हल्कू को माध्यम बनाकर इस कहानी की रचना करी है कि वो किसी भी तरह से ये स्थापित कर सकें कि समाज में वो दिखा सकें कि एक जो उचित कृषक है सारे दुनिया को सारे सब उसको संसार को वो देने वाला अन्न देने वाला वो अन्नदाता कितना दयनीय स्थिति में तो यही बात की स्थापना उन्हें करिए और वो अपने इस कहानी के उद्देश्य में सफल भी हुए हैं तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 से किया है और अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और फिर भी आपकी कोई अगर कोई क्वार क्वारी है या आपको कोई इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं और फिर मैं आपके जो भी आपकी समस्या है जो भी जिज्ञासा है उसको मैं पूरा करने शांत करने की या उसको दूर करने की कोशिश करूँगी उसको दूर करूँगी नमस्कार